हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं स्टडी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानूंगा, वो सॉलिड। सॉलिड के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड के टाइप्स, जैसे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने लोगों ने प्रखर प्रताप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप घंटे के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ताकि आप मेरी सभी आने वाली वीडियो आसानी से देख सके। जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप मेरी सभी वीडियो देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड के टाइप्स। आयनिक सॉलिड हो गए, मेटेलिक सॉलिड हो गए, कोवेलेंट सॉलिड हो गए और मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए। आयनिक सॉलिड आर मेड अप ऑफ आयन बेस ऑफ आयनिक सॉलिड जो होते हैं मेड ऑफ आयनिक सॉलिड से नाम ही स्पष्ट है कि आयनिक सॉलिड है। तो मेड ऑफ ऑफ आयन मतलब जिनमें दो आयन रहेंगे वही आयनिक सॉलिड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के देख सकते हैं NaCl, KCl, CHCl, LiF, O3। O3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है O3, क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये आयनिक है, इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं O3 आयनिक सॉलिड है। कौन सा आयनिक सॉलिड है? O3। ठीक है दोस्तों, अब मेटेलिक सॉलिड के बारे में जानेंगे। जैसे आयरन हो गए, निकिल हो गए, Cu हो गया, Pt हो गया, ये हो गए मेटेलिक सॉलिड, जिसमें मेटल मेड ऑफ मेटल, जिसमें जितने भी मेटल हैं वो मेटेलिक सॉलिड में आएंगी। कोवेलेंट सॉलिड में देख लिया जाए, जैसे डायमंड हो गया, बोरान नाइट्राइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiO2, ये कोवेलेंट सॉलिड के अंतर्गत आएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ड्राई आइस या CO2 एक ही बात है, सॉलिड H2, नेफ्थलीन, कैम्फर, ये सब आते हैं इनमें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आयनिक सॉलिड को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम आयनिक सॉलिड में NaCl, KCl, Na2C, O3, CHCl, LiF, KNO3, Na2SO4 आते हैं। मेटेलिक सॉलिड में आयरन, Ni, Cu, Pt आते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में डायमंड, बोरान नाइट्राइड आते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाई आइस सॉलिड H2, नेफ्थलीन, कैम्फर आते हैं। अब इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स भी होते हैं, जिसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाएगी और आप मेरी सभी वीडियो आसानी से देख सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ दिन, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।